नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं बेसन वाली भिंडी की एक नई सब्जी। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए, ये है हमारे 250 ग्राम भिंडी और हम लेंगे इसमें एक चम्मच भर के बेसन और आधा चम्मच लगभग कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर नहीं है आपके यहाँ तो आप स्किप कर दीजिए। और हम इसे इस तरह से हाथों से पूरा भिंडी में कोट कर लेंगे बेसन का। उसके बाद हम कढ़ाई में एक चम्मच तेल लेंगे और हम भिंडी को इसमें फ्राई कर लेंगे। भिंडी को बेसन मिलाने के बाद 10 मिनट रेस्ट रख दीजिएगा, उसके बाद फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारी भिंडी सॉफ्ट हो चुकी है, तो हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से। भिंडी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है। अब हम लेते हैं कढ़ाई में एक चम्मच सरसों का तेल। यहाँ पे तेल आप कम लीजिएगा, ज़्यादा तेल नहीं लेना है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ डालना, और इसके बाद थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग तो खाना पचाने का सहायता करता है, तो हींग जरूर ऐड कीजिए। और यहाँ पे दो हरी मिर्ची है, इसे हम बारीक कट कर लिए हैं। और यहाँ पे दो मीडियम साइज का प्याज लिए हैं, जिसे हमने बारीक चॉप किए हैं। आप लोग भी इसे बारीक ही काटिएगा। और इसे हम बहुत ही मतलब सॉफ्ट होने तक अच्छा से पकाएंगे प्याज को एकदम। उसके बाद यहाँ पे तीन टमाटर को मैंने ऐसे ही मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिए हैं, तो आप लोग भी इसे ऐसे ग्राइंड करके डालिए, या तो फिर आप इसे बारीक पतला काट के भी डाल सकते हैं। अब हम इसे ढक के पका लेते हैं टमाटर को। इसके बाद हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, और यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे आपको डालना है किचन किंग का मसाला और लाल मिर्च का पाउडर। नमक नहीं डालना है, नमक हम लास्ट में डालेंगे। और इसमें डालना है दही, दही डालना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा बाद में डालना है। उसके बाद भिंडी डाल के अच्छे से फ्राई कर मतलब चम्मच चला लेंगे ताकि ये फटे ना। और इसके बाद मुझे दही कम लगा तो थोड़ा सा और मैंने दही यहाँ पे ऐड कर लिए है। तो आप लोग अपने देख लिए स्वाद के अनुसार दही, ज़्यादा खट्टा खाना है तो ज़्यादा दही कीजिए और कम खाना है तो कम। और यहाँ पर पानी डाल दीजिए, अपने अकॉर्डिंग पानी डालना है। आपको पतला रखना है तो ज़्यादा पानी डालिए, और गाढ़ी रखनी है तो कम पानी डालिए। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक भी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद हम इसे ढककर फिर पकाएंगे 10 मिनट के लिए, जब तक हमारी भिंडी जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। और ये देखिए हमारी भिंडी जो पक चुकी है और एकदम सॉफ्ट भी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय।